क्या करना चाहेंगे? रिमझिम जी को लॉन्च किया है और अच्छा काम किया इन्होंने, जो फर्स्ट के हिसाब से होना चाहिए, और काफ़ी मेहनत किया इन्होंने और सब लोगों ने बहुत मेहनत किया इस फिल्म में। तो क्या विषय क्या है? विषय एक अनाथ लड़की पे है। अच्छा। तो कोई मंदिर में छोड़ जाता है, कैरेक्टर है वो लेके आता है और वो उसको पालता है, लेकिन उनकी वाइफ उसको लाइक नहीं करती हैं और उसकी शादी होती है जहाँ उसके साथ, वहाँ भी धोखा होता है। तो ये कहना चाहेंगे कि आज के दौर में इतना ज़्यादा सीरियस में कोई कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं है? सीरियस नहीं, कॉमेडी भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है, पिक्चर सब मिक्स मसाला है। तो और जाने पहचान के में कौन नजर आएंगे इस फिल्म में, मतलब फर्स्ट? हाँ, वंदनी मिश्रा जी हैं हमारी वो माँ के रोल में, और आनंद मोहन जी कॉमेडी के रोल में। क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो भोजपुरी फिल्म बन रही है, बदलाव आ रहा है, काफ़ी बजट बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, और लोग लंदन तक जा रहा है, मतलब अवार्ड्स वगैरह हो रहे हैं, तो काफ़ी विस्तार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री को लेकर? अच्छी बात है कि लंदन तक पिक्चर जा रही है, लेकिन पैसे ही बहुत लग रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिल्म की तरह नहीं बन रही। तो ये भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे रीजनल फिल्म की बात करें, आप देखें तेलुगू तमिल मलयालम कोई फिल्म कितना बड़ा पैमाना था, उस तरह का पैमाना कब आप समझते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री होगा? अगर हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर अच्छे राइटर्स लेंगे, अच्छी कहानी चुनेंगे और कहानी पे अगर वर्क करेंगे तो क्यों नहीं पिक्चर चलेगी? बिल्कुल जरूर लोग पसंद करेंगे, कहानी से दूर है भोजपुरी फिल्म। अच्छा, तो आप अपनी तरफ से क्या सुधारना चाहते हैं? अगर बदलाव लाने की बात करें तो आपको क्या बदलाव लाएंगे? अब मेरे अकेले बदलाव से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फिल्म ससुरा धोखेबाज, टोटल एक मिट्टी से जुड़ी पिक्चर है, हालांकि बोलते सभी हैं कि हम मिट्टी से जुड़ी बना रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म के लिए। अब वो कितना सफल है ये जनता हमारी बताएगी। नहीं, हीरोइन कभी धोखा नहीं दी। ये माता जी नहीं, नहीं माता जी ने बिल्कुल धोखा नहीं, नहीं कभी, नहीं कभी, ऐसा कभी नहीं। हो गया था इसीलिए मैं बेड पे सो गई, नहीं जाऊंगी मैं शूटिंग का। हाँ सर, आपको उस टाइम दूसरी रूम ले लेते कैसे? काम आधा निकल गया था ना, इसलिए इम्पॉसिबल था, तो थोड़ा झेलना पड़ा। अभी बता रहे थे कुछ भूत का सीन का, क्या हुआ था एक्चुअली मामला, जो बताएंगे कैसे? हाँ, भूत को तो मैं भी नहीं मानता हूँ, और देखता हूँ व्हाट्सएप पे तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि ये मजाक है, लेकिन हम लोग गांव में शूटिंग कर रहे थे और थोड़ा ठंड का टाइम था, रात को 12 बजे सारे गांव वाले चले गए, हम लोग 8-9 आदमी बच गए थे, और ठीक 12 बजे के बाद मतलब सब कोई उल्टा काम कर रहा है, कैमरा मैन से लेके हर कोई। बाद में जब हमने कहा असिस्टेंट को, सुनील यादव को, कि फ़ोटो निकालो, ऐसे ही मूड इन लोग का फ्रेश करने के लिए, जब फ़ोटो निकाला तो वो काफ़ी देर तक आगे पीछे करता रहा, मैंने कहा फ़ोटो निकाला, जब उसमें देखा तो एक लेडी बैठी हुई थी, उसी टाइम हमने शूटिंग पैकअप किया और उसके बाद दोबारा वहाँ नहीं गए। सामने नहीं दिखाई दे रही थी, सामने नहीं क्लिक करना। हाँ, सामने नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन मोबाइल में दिखाई दे रही थी। इस फिल्म में है आशीष खांबे, राजेश शुक्ला जी, अतुल श्रीवास्तव, जया मौर्या जी, आनंद मोहन जी, वंदी मिश्रा जी और रिमझिम जी। अच्छा, सिनेमा किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा लेके जाता है? कॉमेडी पे ज़्यादा, एक्शन पे ज़्यादा, या कुछ समाज? एक्शन तो फिल्म में है नहीं, इमोशनल है और ये कॉमेडी पे। आइटम सॉन्ग है कि नहीं फिल्म? है बिल्कुल आइटम सॉन्ग है, लेकिन वो एकदम अलग है। आपको लगता नहीं कोई बड़ा चेहरा होना चाहिए था भोजपुरी इंडस्ट्री में? मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आप भी फिल्म देखेंगे या पब्लिक देखेगी तो पिछली फिल्म देखेगी, कहानी बहुत पावरफुल है, वो सिर्फ फिल्म पे ध्यान जाएगा उनको, और कास्टिंग मेरी एकदम परफेक्ट है, और वो पिक्चर देख के ऐसा नहीं लगा किसी को कि इसमें बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वंदनी जी और आनंद मोहन जी बस ये दो हैं, और आप देखिएगा कि पिक्चर एकदम भरी है। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई और कब तक रिलीज कर सकते हैं? फिल्म की शूटिंग सोनभद्र दुधी में हुई है, और ये दशहरा तक रिलीज करने की प्लानिंग। कितने गाने और म्यूजिक किसने दिया है? 8 गाने हैं इसमें, और म्यूजिक दिया है मोनू श्रीवास्तव, लारे बाबला। कॉम्पिटिशन मेरा किसी से नहीं है, बस मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है,
और मैं बस एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कितना पास होता हूँ या फेल होता हूँ ये ऑडियंस बताएगी। ऑडियंस बताएगी। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए कुछ हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करना चाहती हूँ, सब ऑडियंस जितने भी मेरे देखने वाले चाहने वाले हैं। और मेरा नाम जिमसी, मैं हम झारखंड से वानी। आपकी फिल्म आ रही है, कुछ फिल्म के बारे में बताइए, कौन सी फिल्म है और किस तरह की किरदार है? हाँ, फिल्म आ रही है ससुरा धोखेबाज। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, एक फुल नारी प्रधान फिल्म है ये। मतलब आप किस फिल्म में नजर आएंगे दर्शक? मैं मेन कैरेक्टर में हूँ अभिनेत्री के तौर पर। तो क्या वजह थी कि आपने भोजपुरी चुना, ये आपकी फर्स्ट फिल्म है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट मिला, कैसे कैसे डायरेक्टर से मिली, कैसे शुरुआत हुई? ये मैं बनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। मैं एल्बम की हूँ, मतलब 10-15 एल्बम की हूँ, और डायरेक्टर को सब लोगों ने देखते हैं। आज तो सब ऐसा ज़माना है कि सब लोग देख सकते हैं, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा होगा तो लिए। अच्छा, फिल्म में और स्टार कास्ट है? हाँ, इनमें आनंद मोहन जी कॉमेडी में हैं, वंदिनी मिश्रा जी हैं जो मेरे माँ के करेक्टर में हैं, और राजेश शुक्ला जी हैं, आशीष खांबे हैं, बबलू करेंट हैं, अतुल श्रीवास्तव हैं, और भी बहुत सारे करेक्टर हैं। अच्छा, भोजपुर में और भी एक्ट्रेस हैं तो किसी को आप फॉलो करती हैं या कोई आपकी फेवरेट है, कुछ ऐसा है? हाँ, भोजपुरी ने मैं भोजपुरी फॉलो कम करती हूँ, लेकिन हिंदी से ज़्यादा श्रीदेवी को देखना, उनके डांस देखना, एक्टिंग देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा। भोजपुरी में कोई है जिन्हें देखती है, मतलब भोजपुरी में काफ़ी सारी? हाँ, मैं सबको देखती हूँ, सारे जितने भी हीरो हैं हीरोइन हैं सबको देखती हूँ। कोई ऐसा हीरो है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो? हाँ, रवि किशन जी। क्या पसंद है रवि किशन की फिल्म? रवि किशन बहुत अच्छे लगते हैं। और भी हीरो हैं, पवन जी हैं? हाँ, पवन जी का स्माइल मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बताई ना, स्माइल उनका बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी दिनेश लाल यादव जी, उनका तो कहना ही नहीं है, एक्शन बहुत तगड़ा होता है। और ये खेसारी जी, उनका एक्टिंग अच्छा लगता है। और विराज भट्ट जी, वो तो मेरे बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे फेवरेट हीरो हैं, उनका एक्शन मुझे बहुत पसंद है। तो कोई फिल्म होती है जो आप देखने जाती हो थिएटर में, किसी कोई फेवरेट एक्टर? हाँ, मैं सारे फिल्म में देखने जाती हूँ, ऐसी बातें नहीं है कि इनके तो ये मेरे स्पेशल हैं चाहे मैं इनके यही देखूँ, मैं सबका देखती हूँ, सबसे सीखने को जो मिलता है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ और दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का धमाका इस फिल्म में होगा जो दर्शक देखेंगे, और आप उसके कैरेक्टर को पसंद करेंगे, क्या है? हाँ, खास? मेरा हर करेक्टर है, लेकिन ज़्यादातर मेरा रोने वाला है बहुत ज़्यादा, और सब मतलब जो होता है मूवी में अच्छा है, थोड़ा जितना बोले तो सब अच्छा है। और बंदी मैम के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, माता जी बहुत सपोर्टेड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन करेक्टर में ना ये मुझे बहुत सताई है। मतलब आपकी सास बनी? हाँ, नहीं, मेरी माँ बनी है बिस ओतेली, फिर भी अच्छी है ना, घर में जगह दी है, तब तो बोलेंगे। तो कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? हाँ, पहले बोलना चाहूँगी, आप सब प्लीज़ जाके देखिएगा ये फिल्म, बहुत ही अच्छी मूवी है। देखिए, ये फिल्म ससुरा धोखेबाज, ये रीमा फिल्म के अंडर बन रही है, इसके प्रोड्यूसर रीमा जी हैं, रीमा सिंह जी हैं और रीना सिंह जी हैं, और इसकी कहानी शुक्ला जी की है, और इसके प्रोड्यूसर लाल शरण उपाध्याय जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस फिल्म में, और काफ़ी अच्छी तरह से फिल्म बना रहे हैं वो। देखिए, इस फिल्म में मैं एज अ मदर कर रही हूँ, मतलब रिमझिम की सास बनी हूँ मैं। नहीं, मम्मी बनी हूँ, सौतेली माँ बनी हूँ, और नेगेटिव करेक्टर है इसके अंदर मेरा, और अब देखिए दर्शक कितना पसंद करते हैं, मैंने काफ़ी
पहले की हुई, मगर ये मेरी भोजपुरी पहली फिल्म है एज ए नेगेटिव रोल के लिए। हाँ, मैं रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने तो हम लोगों को सब खड़ा किया। एक अकेली लेडीज ऐसी जगह से है कि क्या बताऊँ, मतलब उन्होंने, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी हिम्मतगर लेडीज़ हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी नेचर की बात किया जाए तो बहुत अच्छी है, एक बड़ी दीदी की जैसी लगा ही नहीं कि वो प्रोड्यूसर है, ऐसा लगा कि हमारी फैमिली मेंबर है। आपको बताइए। हाँ, ये तो मेरी पहली फिल्म है, मैं पहली बार इस फिल्म में हीरो के दोस्त के रोल में काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पहली बार में ही फिल्म करने का मौका मिला, मुंबई तक आने का मौका मिला और विजय सर ने हमको बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं अभी तक कुछ किया ही नहीं था, जो एक एक बारीकी चीज़ सर ने हमें बताया। और उससे भी बड़ी बात है कि बंदनी मैडम सर के साथ हमको काम करने का मौका मिल गया, इतने बड़े आदमी के साथ मैं आज यहाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स।